हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पराते एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से अपना द पराते एकेडमी पर कैसे कोर्स बाय किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने एकेडमी की URL डालनी है, द पराते एकेडमी .co.in। याद रखिए स्टूडेंट .co.in है, .com नहीं है। जैसे ही आप URL डालोगे हमारी वेबसाइट खुल जाएंगी। ये देखिए स्टूडेंट, कुछ इस तरह से अपनी वेबसाइट है। जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे आपको कोर्सेज दिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे ऊपर कोर्सेज के अंदर भी आपको कोर्सेज डिस्प्ले है और इधर भी कोर्सेज डिस्प्ले हो जाएंगे। इन कोर्सेज में से आपका पसंदीदा कोर्स जो है, जो आप बाय करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें। जैसे मुझे अकाउंटेंसी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी मराठी का कोर्स बाय करना है तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप कोर्स सिलेक्ट करोगे आपको कुछ इस तरह का कोर्स डिस्प्ले हो जाएगा। कोर्स की इंफॉर्मेशन देखेंगे, यहाँ पे आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन या फिर कोर्स का कंटेंट क्या क्या है कोर्स के अंदर वो देखने के लिए आपको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट, आपको बाय करना है तभी आपको रजिस्टर करना है। थोड़ी कोर्स की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। एक कोर्स का नेम है, यहाँ पे डेमो वीडियो है, एक कोर्स का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे जो कोर्स का टॉपिक्स है क्या क्या टॉपिक है, जैसे इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, इसमें एक वीडियो है 5 मिनट 12 सेकेंड का। ये फाइनल अकाउंट के अंदर इतने सारे वीडियोस है, फिलहाल 2 वीडियोस अपलोडेड है। एक वीडियो 33 मिनट का है वीडियो, और एक वीडियो है 41 मिनट का। तो काफ़ी बड़े बड़े वीडियो है स्टूडेंट, अच्छा कंटेंट होगा। इन एन एवरेज लगभग हर वीडियो 40 मिनट का होगा, 40 मिनट का हर वीडियो लगभग होगा। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये कोर्स बाय करना है तो सबसे पहले ऐड टू बास्केट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड टू बास्केट पे क्लिक करोगे तो ऐसा लॉगिन का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो सीधा यूज़र नेम, यहाँ पे ऊपर यूज़र नेम डालना है और नीचे पासवर्ड डाल के सीधा लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हो तो एक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। इस रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम डालना है स्टूडेंट, जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट नेम डालना है आपको। यहाँ पे आपको अपना आपका यूजर नेम डालना है। यहाँ पे आपको ईमेल डालना है स्टूडेंट, वैलिड ईमेल रहना चाहिए स्टूडेंट्स। इस ईमेल के थ्रू आप अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो इस ईमेल के थ्रू आप आपका पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे फिर से डालना है आपको पासवर्ड। जब आप पूरी डिटेल्स फिलअप कर लोगे तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, आपका रजिस्टर पूरा हो जाएगा। अभी ऐड टू बास्केट पे क्लिक करना है फिर से। जैसे ही आप ऐड टू बास्केट पे क्लिक करोगे आपके कार्ट पे आ जाओगे स्टूडेंट। यहाँ पे देख सकते हो आप, पहले 0 था अभी 1 हो गया। यहाँ पे आपको चेक कर ला है स्टूडेंट कि यहाँ पे कितने क्वांटिटी है कोर्स की। अगर 2 होंगी कुछ इस तरह से, यहाँ पे 2 या फिर 3 होंगी तो आपको यहाँ पे 1 कर लेना है स्टूडेंट। ये नीचे आप कम ज़्यादा कर सकते हो तो 1 करना है। 1 करके उसको अपडेट पे क्लिक करना है। आपका 1 ही पहले से ही 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका ये पूरा कंफर्म हो जाएगा, आपका कोर्स सही है, क्वांटिटी सही है, उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है।
जैसे आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करोगे स्टूडेंट, कुछ इस तरह से चेकआउट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका डिटेल्स डालनी है, लेफ्ट साइड पे बिलिंग डिटेल्स डालनी है पूरी, राइट साइड पे आपका ऑर्डर डिटेल है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कितना प्राइस है। तो मैं आप यहाँ पे मेरी डिटेल्स डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ जल्दी। जैसे ही आपकी पूरी डिटेल्स बिलिंग डिटेल्स फिलअप हो जाएंगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे राइट साइड पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये आपको आगे लेके जाएगा, पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका। यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है स्टूडेंट, कहीं पे बस थोड़ी देर रहा देखनी है, अपने आप ये पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से पेमेंट गेटवे का। यहाँ पे आपको कार्ड से पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से। तो अगर आपको कार्ड से पे करना चाहते हैं तो कार्ड पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नेम, CVV, ये सब डाल के आप पे पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप पे पे क्लिक करोगे आपका पेमेंट, आपको एक OTP आएगा, जिस जो भी आपका बैंक होगा उस बैंक का OTP डाल के आप, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपको आपको आपका कोर्स दिखने लगेगा, आपको आपका कोर्स आपके लॉगिन में दिखेगा स्टूडेंट, जो आप अपने अकाउंट में, यहाँ पे अकाउंट में आके माई लॉगिन में आने के बाद, मैं लॉगिन में आपको आपका कोर्स आने के बाद यहाँ पे एनरोल कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एनरोल कोर्सेज के अंदर आपको आपका कोर्स दिख जाएगा। अभी मैंने कोई कोर्स बाय नहीं किया है तो मुझे यहाँ पे कोई कोर्स नहीं दिखेगा। अगर आप बाय करने के बाद भी आपको यहाँ पे कुछ कोर्स दिखता नहीं है स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, विद इन 24 आवर्स आपका कोर्स आप यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, आप यहाँ आके आपके कोर्सेज देख सकते हैं। थैंक यू।